द लिटल गर्ल बिफोर यू रीड डू यू फील यू नव यूअर पेरेंट्स बैठ नाव क्या आपको अनुभव होता है कि आपके माता पिता या आपको कि आपके माता पिता अधिक अच्छे हैं देन वेन यू वर मच यंगर जब आप छोटे होते हो तो क्या आप अपने माता पिता को अधिक अच्छी तरह से जानती हो ऐसा तुम्हें अनुभव होता है क्या परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन शायद यू नाउ अब आप समझते हो द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन उनके सारी गतिविधियों का जो कारण है उनको आप देखते हो दैट यूज़ टू अपसेट यूर अर्लियर जो आपको शुरुआत में ही अपसेट कर देता था परेशान कर देता था यानी माता पिता अगर किसी भी प्रकार से परेशान होते हैं तो घर पे आकर के कुछ न कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें अजीब सा लगता है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटल गर्ल हु इज़ फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसकी भावनाएँ हु इज़ फीलिंग फॉर हर फादर अपने माता के पिता के प्रति चेंज बदल जाती है फ्रॉम फियर डर से टू अंडरस्टैंडिंग समझ में विल प्रोबेबली फाइंड एन ईचो इन एवरी होम जो संभवतः प्रत्येक क्षण प्रतिध्वनि पाती थी घर के अंदर टू द लिटल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड वह छोटी बच्ची ही वाज ए फिगर वह एक व्यक्ति थी टू बी फियर डरने वाली एंड अवॉइड और बचने का प्रयास करने वाली एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क प्रत्येक सुबह काम पे जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम उसके पिताजी उसके रूम में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस और उसे एक लापरवाह किस चुंबन करते टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय जिसका वह जवाब देती गुड बाय के फादर एंड ओ और अरे देर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ वेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिज ग्रोविंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड और देर वॉज ए ग्लेड सेंस और वहाँ पर एक खुशी की समझ होती ऑफ रिलीफ रात की वैन जब she heard वह सुनती the noise ध्वनि को of the carriage गाड़ी की growing fainter fainter धीमी से धीमी होती जाती down to the long road नीचे लंबे रोड की ओर in the evening शाम को when he came home she stood near the staircase शाम को जब उसके पिताजी घर आते तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाया करती थी एंड हार्ड इज लाउड वॉइस और उनकी ज़ोरदार आवाज़ सुनती इन द हॉल हॉल में ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम मेरी टी को चाय को ड्राइंग रूम में लाओ हैज नॉट द पेपर कम येट अभी तक पेपर नहीं आया मदर गो एंड सी माँ जाओ देखो इफ माई पेपर्स आउट देयर मेरा पेपर बाहर हो तो एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर और मेरे स्लीपर लाओ केजिया मदर वुड कॉल टू हर माँ उसको केजिया बोलती थी इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यदि तुम अच्छी लड़की हो यू कैन कम डाउन तो आप नीचे आ सकती हो एंड टेक ऑफ फादर बूट्स और पिताजी के जूते उतार सकती हो Slowly the girl would slip down the stairs. धीरे धीरे से लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती more slowly और अधिक धीमे से still across the road जब वह हॉल पार करती रहती तो और धीमे से चलती and push open the driving room's door
और ड्राइविंग रूम के डोर को धक्का दे के खोलती। बाय दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज एस्थेटिकल्स ऑन, उस समय तक उसके पिताजी चश्मा लगाए हुए होते। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी ओर देखते देम इन अ वे, इस तरीके से कि देट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल, जैसे वो उस छोटी बच्ची को डरा रहे हो। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल अप दोज बूट्स, और उन जूतों को भी खोल दो। टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की हो। आई डिड नॉट नो फादर, पिताजी मेरे को पता नहीं है। इफ यू डिड नॉट नो, यदि तुम्हें पता नहीं है। इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इस तरीके से स्टटर अकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो अन्य लोगों से बात करते हुए कभी नहीं अकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हैड क्वाइट गिवन इट अप, और ये ऐसा वो बिल्कुल नहीं होता था उसके साथ, बिल्कुल भी इस तरह से वह शब्द नहीं छोड़ती थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल उसके पिता के साथ ही ऐसा उसके साथ होता था। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि तब वह बहुत प्रयास करती टू से कहने का द वर्ड प्रॉपरली, शब्दों को ठीक तरीके से। वाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। वाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, क्या मामला है, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो। मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, माँ मैं कामना करती हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाओ। नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि ये सुसाइड के किनारे पर, आत्महत्या के किनारे पर ना दिखे। हेयर केजिया, यहाँ पर केजिया है। कैरी माय टी कप, केजिया, कैरी माय टी कप, मेरा चाय का कप ले जाओ वापिस टेबल से, केयरफुली, ध्यान से। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, अपने पिता के बारे में केजिया कर रही है कि वह बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, स्पेशली जब वो झपकिया लेते तो उनका मुंह पूरा खुलता। थिंकिंग, सोचती अबाउट हिज हिम अलोन, अकेले उसके बारे में सोचती रहती। वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए गाइंट, जैसे मानो किसी देवते के बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार के दिन दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइविंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर, संडे के दिन दादी माँ दोपहर को उसे अपने ड्राइविंग रूम में लेके गई कि वह अपने पिता से अच्छी तरह से बात कर सके, एंड मदर और माँ से। बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन छोटी बच्ची अपनी माँ को हमेशा पढ़ती हुई पाती। एंड फादर, और पिता को स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिता को सोफा पर फैले हुए। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पे होता। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशियंस, और उनके पैर गद्दों के, मखमली गद्दों पर, कशियंस यानी अच्छे गद्दों का, जो गद्दों के ऊपर जो कवर है वह। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, जो गंभीर रूप से सोते रहते, स्नोरिंग और कराटे लेते रहते। द लिटल गर्ल फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड ऑन द सोफा, यह स्थिति रहती, पिताजी सो रहे हैं, माँ अखबार पढ़ रही है। शी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाया करती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और गंभीर पूर्वक उन्हें देखा करती। अनटिल ही वॉक, जब तक वे जागते नहीं। एंड स्ट्रेच, और जब तक वह फैले रहते या जागते नहीं। एंड आज द टाइम, और समय पूछती। देन लुक एट हर, तब उसकी ओर देखती।
डोंट स्टेयर सो केजिया, वे कहते केजिया ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑयल, तुम एक छोटे से भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। वन डे व्हेन सी केप्ड इंडोर विद ए कॉर्ड, एक दिन जब वह घर के अंदर थी विद ए कॉर्ड, जुकाम की वजह से। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर फादर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी ने उन्हें बताया कि उसके पिताजी का अगले सप्ताह बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया कि शी वुड मेक हिम ए पिन कशियंस, कि उसे उनके लिए एक कशियंस एक अच्छा खिलौना बनाना चाहिए। फॉर गिफ्ट आउट फॉर ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक उपहार बनाना चाहिए जो ब्यूटीफुल पीस सुंदर कपड़ों का हो, ऑफ येलो सिल्क पीली रेशम के कपड़ों का। लेबरसली मेहनत करके विद ए डबल कॉटन इस्तेमाल करके लिटिल गर्ल्स स्टिचिज थ्री साइड, उसको लिटिल गर्ल ने तीनों तरफ से सी दिया। बट वाट टू फिल इन इट विद, लेकिन इसमें क्या भरें, दैट वाज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बगीचे में थी। एंड सी वेंडर इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैपर्स, और वह लड़की अपनी माँ के बेडरूम में घूमी स्क्रैपर्स कचरे टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, यानी उसने जो कपड़े का जो ये गिफ्ट बनाया है उसमें कतरन भरने के लिए, स्क्रैपर्स यानी होता है कतरन। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, ऑन द बेड टेबल पर उसको एक बहुत बड़ी अच्छे कागज़ों की शीट मिल गई, अनेक बहुत सारे कागज़ों की। गैदर डैम अप, उसने उनको इकट्ठा किया, टोर डैम इंटू 10 tiny pieces, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उस अपने उसमें भर लिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और तब उसने उस गिफ्ट की चौथी साइड भी सी दी। दैट नाइट देयर वाज ए हू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को घर में आप उसके पिताजी हू एंड क्राई यानी नाराज होकर के विरोध कर रहे थे। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की पोर्ट ऑथोरिटी यानी भाषण देने के लिए उन्होंने भाषण लिखा गया था उस सीट पर, हैड बीन लॉस्ट, वह खो गई थी पोर्ट ऑथोरिटी यानी उनका कोई समारोह हो रहा था उसके लिए भाषण था वो। रूम वार सर्च, रूम तलाश किए गए। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल ऑन इन आवर रूम, केजिया मैं मानती हूँ कि तुमने हमारे रूम में टेबल के ऊपर कुछ कागज़ नहीं देखे होंगे। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ नहीं देखे, उसने कहा हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप, मैंने उनको फाड़ लिया, फॉर माय सरप्राइज, मेरे आश्चर्य के लिए, आश्चर्य पूर्व गिफ्ट के लिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, माँ चीख पड़ी, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, दिस स्टैंड यानी अभी डाइनिंग रूम में सीधे नीचे आओ। एंड शी ड्रेज डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वह उसे खींच करके अपने उसके पिता के पास ले गई जहाँ पर उसके पिताजी पेसिंग टू एंड फ्रो परेशान हो रहे थे, गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। हैंड बिहाइंड इज बैक, उसके हाथ पीछे थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने तीव्रता से कहा, अच्छा, मदर एक्सप्लेन, माँ ने स्पष्ट किया। ही स्टूप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वह खड़े हो गए और उस बच्चे की ओर घूरे। डिड यू डू डैट, तब तो तुमने ये किया है, ना नो शी विस्पर्ड, उसने धीरे से पढ़ा, नहीं नहीं मैंने। मदर गो अप टू द रूम, माँ उसके रूम में गए। एंड फेस डाउन द डैमिंग थिंग्स, और वो उसने जो चीज़ बनाई थी उसको तोड़ करके उसको नीचे लेके आए। शी देखो द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस स्टैंड, देखो इस बच्ची ने पुट टू बेड दिस स्टैंड, देखो इस बच्ची ने इनको इसी समय वो बेड पर
इस बच्चे को इसी समय बिस्तर पे पटको। क्राई टू मच टू एक्सप्लेन, वह अपनी बात कहने में बहुत ज़्यादा रो रही थी। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग, वह पड़ गई इन द शेडोड रूम, उस अंधेरे रूम में वॉचिंग देखती हुई द इवनिंग लाइट, शाम की प्रकाश को। मेक ए सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि एक दुख भरा आकृति बना रही थी फर्श पर। देन फादर केम इन टू द रूम, तब पिताजी रूम में आए। विद ए रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक पैमाना था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड, उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसलिए इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो शी स्क्रीम्ड, वो चीख पड़ी नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड के कपड़ों में अपने आप को छुपाती हुई। ही पुल्ड देम एसाइड, तब उसने उनको एक तरफ कर दिया, उसके पिताजी ने कपड़ों को। सिट अप, बैठो ही ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार ज़रूर सिखाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, और इसलिए कि फॉर ऑल नॉट टू टच, कि कुछ भी चीज़ तुम कभी नहीं छुओ। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुमसे संबंधित ना हो। बट इट वॉज फॉर यूर बर्थडे, लेकिन यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम, उसके गुलाबी हथेलियों पर पैमाना की पड़ी। हावर लेटर, घंटों बाद, वेन ग्रैंड मदर हैड रैपर्ड हर इन ए साउल, रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जब उसकी दादी माँ हैड रैप्ड हर इन ए साउल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, जब दादी माँ साउल में अपने आप को लपेट करके रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, अपनी पहिए वाली कुर्सी से नीचे उतरी। द चाइल्ड क्लंग टू हर, तो द बच्ची उससे चिपक गई, सॉफ्ट बॉडी उसकी कोमल शरीर से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, उसने सिसकिया ली कि पिताजी को भगवान ने किस लिए बनाया। हैरी जे क्लीन हैंग की डार्लिंग, प्रिय ये साफ सुथरा रुमाल है। ब्लो यूअर नोज, अपने नाक पहुँच लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट यू विल फॉर गेट ऑल अबाउट इट, शर्त लगाओ कि तुम इस ये सब भूल जाओगी इन द मॉर्निंग, सुबह तक। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं तुम्हारे पिता को समझाने का प्रयास करूँगा। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज सुनने में आज नहीं सुनेंगे क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सॉ हिम, अगली बार वह उन्हें देखती है। शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, तो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे ले जाती है। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसके गालों पर लालिमा दौड़ आ पड़ती है, उड़ पड़ती है। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, अगले ही दरवाज पड़ोस में ही मैकडोनाल्ड रहते थे। दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पांच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द पेंस, द लिटल गर्ल्स सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। लुकिंग थ्रू अ गैप, एक गैप में होकर के वो बच्ची उनको देखती। इन द पेंस, जो घर के आसपास जो लकड़ी के गट्टे गड़े हुए थे उनके बीच में जो गैप था उनमें से देखती। द लिटल गर्ल, वो छोटी बच्ची सो देम, उनको देखती प्लेइंग, खेलते हुए, टैग चिपके हुए इवनिंग, शाम को। द फादर विद द बेबी, पिताजी अपने बच्चों के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर, माओ जो लड़की थी या लड़का था वो उनके कंधे पे होता। टू लिटल गर्ल्स, दो लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ। हैंगिंग ऑन हिज कोट, उसके कोट से लटकी रहती। पॉकेट्स, जेब से। रेन राउंड एंड राउंड, और आसपास दौड़ती रहती। द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी से हिलती रहती, ठाके लगाती रहती। वंस शी सॉ द बॉयज, एक बार उसने देखा कि लड़के टर्न द हाउस ऑन हिम एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसने देखा कि लड़के जो है वह
भी उनकी ओर मुड़ते हैं एंड ही ट्राइड वो टू कैच देम, और वह उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं लाफिंग ऑल टाइम, पूरे समय हंसते हुए। वैन इट वॉज सी डिसाइडेड देर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसने फैसला किया कि ये अलग अलग पिता के प्रकार हैं। सडनली अचानक से वन डे एक दिन मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी माँ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, घर पे छोटी लड़की अकेली थी विद एलिस, एलिस के साथ जो कि उनका रसोईया था, कुक था। देट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के दौरान सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस जो कुक था वॉज पुटिंग हर बेड टू बेड, जब वह बिस्तर पे जा रही थी तो शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वह अचानक से डर गई। वाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, यदि मेरे को बुरा सपना आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, शी आज उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर, अक्सर मेरे को बुरे सपने आते हैं। देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तब ग्रैनी दादी माँ मेरे को अपने रूम में ले जाती। आई कांट स्टे इन द डार्क, में अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब धीरे धीरे बातें थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा बच्ची तुम्हें सो जाना चाहिए। केवल पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने मोजों को खेंच करके। डोंट यू स्क्रीम, तुम्हें नहीं चिल्लाना है। वेक यूअर पुअर पा, अपने बेचारे पिताजी को नहीं जगाना है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना बुरा सपना आया। द बचर कसाई विद ए नाइफ, एक चाकू के साथ, एंड ए रोप, एक रस्सी के साथ। हु केम नियर एंड नियर, जो कि पास और पास आ रहा था। स्माइलिंग हंसते हुए, दैट ड्रेडफुल स्माइल, जो कि भयानक मुस्कान थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, वह हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड, केवल खड़ी रह सकती थी। स्टिल क्राइंग आउट, चिल्लाती हुई। ग्रांड माँ ग्रांड माँ, दादी माँ दादी माँ। शी वॉक श्योरली टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वह जाग गई शिवरिंग कांपती हुई। देखा कि पिताजी बगल में ही हैं बेड के, एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में मोमबत्ती है। व्हाट इज द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओ ए बचर ए नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मैं दादी को चाहती हूँ। कसाए चाकू, ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। बेंड डाउन, नीचे मुड़े, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने बच्ची को अपने हाथों में पकड़ लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको गलियारे में होकर के बड़े बेडरूम की ओर ले गए। अ न्यूज़पेपर वांद ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को एक तरफ रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तब उस बच्ची को वहाँ रखा सावधानी से। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, वह अभी भी आधी नींद में थे। स्टिल विद द बचर स्माइल, अभी भी कसाई उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, यह सब कुछ उसे प्रतीत होता। शी क्रीप्ड क्लोज टू हिम, वह अपने पिताजी से रेंगती हुई चिपक गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, उनकी भुजाओं में उसने अपना सिर छिपा लिया। हेयर टाइटली टू हिज शर्ट, उन्होंने उसकी शर्ट को टाइट जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, वह अब अभी भी ऐसी स्थिति में थी। अब अंधेरे का कोई मामला नहीं था। हे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, यहाँ पर अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो। एंड गेट देम वार, और उनको गर्म करो, सेड फादर, पिता ने कहा। ट्राई इट आउट, प्रयास करो। ही स्लीप बिफोर द लिटल गर्ल्स, वह उस छोटी बच्ची के बगल में सो गए। ए फनी फीलिंग केम ऑन हर, और उसके एक मजाकिया अनुभव उसको हुआ। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, जो इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर और आखिरकार, विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर,
वे दादी माँ से भी ज़्यादा कठोर हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्ड सन्स, लेकिन यह कठोरता अच्छी है। एंड एवरी डे, और रोजाना ही हैड टू वर्क, रोजाना उन्हें काम करना होता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और बहुत ज़्यादा थक जाते थे इसलिए मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह वह नहीं हो पाते। शी हैड टोन अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सुंदर लेखन को फाड़ दिया। शी स्टीयर्ड सडनली, वह अचानक से स्टीयर्ड एंड साइड, उसने झपकी ली और गहरी सांस ली। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसने के पिताजी ने पूछा, क्या बात है? अनादर ड्रीम, कोई दूसरा सपना? ओ सेड द लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्ची ने कहा, अरे माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा हृदय मेरा सिर तुम्हारे हार्ट पे है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं इसको चलते हुए सुन सकती हूँ। वाट ए बिग हार्ट यू हैव, तुम्हारे पास कितना बड़े हृदय, डियर फादर, प्रिय पिताजी। कैटर्नी मैनिफेस्ट।